हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना। और कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया ना? तो ये जो पैकेट मैं आज खोल रही हूँ, ये कोई सिंपल पैकेट नहीं है। इसमें है एक बहुत ही खास चीज़ जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है मशरूम। कुछ लोग पहचान गए होंगे कि ये क्या है और कुछ लोग सोच में पड़े होंगे कैसा मशरूम है। तो ये है नेचुरल मशरूम जो जंगलों में मिलता है बारिश के सीज़न में। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो ये मशरूम मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ इस मशरूम की। मुझे बहुत पसंद है इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा, और बचपन से मैं इसके लिए एकदम पागल रहती हूँ। ये क्या होता है, ये बारिश के सीज़न में ही मिलता है और कभी कभी तो होता है कि मिलता भी नहीं है। तो ये जंगलों में जो लकड़ियां काटने या फिर गाय भैंस लेके जंगलों में जाते हैं ना, उधर गांव के लोग इसे ज़मीन से निकाल के ले आते हैं बाहर शहर में बेचने। तो ये देखिए, आज इसी मशरूम की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी और इससे कैसे साफ़ करना है ये मैं दिखाती हूँ। तो ये पैकेट मुझे बहुत ही मुश्किल से नसीब हुआ है, मतलब कहीं से मिला है मुझे। तो ये देखिए, यहाँ पर है ये जंगली मशरूम जो जंगलों में होता है और जिसे खाया जाता है। मशरूम बहुत तरह के होते हैं, बट कुछ ही मशरूम ऐसे होते हैं जिसे खा सकते हैं। और ये काफ़ी टेस्टी होता है, मतलब इतना अच्छा टेस्ट आपको और किसी वेज में नहीं मिलेगा जो टेस्ट इसका। जो हम लोग पैकेट वाले बटर मशरूम या ऑयस्टर मशरूम लेते हैं ना, उससे लाख गुना ज़्यादा ये टेस्टी होता है। तो जब भी कभी आपको मौका मिले या कहीं आपको दिख जाए, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में ये बहुत मिलता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज मुझे मिला है और ये देखिए, ये काफ़ी टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे इसे साफ़ कर लिया है। पहले आपको बहुत ही अच्छे से इसे खूब पानी में धोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी लगे होते हैं, ये ज़मीन के अंदर उगता है तो इसमें काफ़ी मिट्टी लगी होती है। तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने और इसे खूब 2-3 बारी पानी में अच्छे से धो लिया है। तो ये देखिए, ये है साफ़ किया हुआ, फिर भी थोड़ा थोड़ा रेड रेड दिख रहा है। तो ये इसका स्किन इसी तरह का कलर का होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे साफ़ कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और इसे बहुत ज़्यादा मल के, आपको एकदम से मसल के नहीं धोना है, नहीं तो एकदम ये पिस जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप इसे ज़ोर से मुट्ठी में दबा देंगे ना, तब भी ये एकदम पिस जाएगा। तो हल्के हाथों से इसे धोइएगा और ये आप इसे साफ़ करते समय देख लीजिएगा कि बिल्कुल कीड़े कहीं ना हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है और मैं इसे बनाऊँगी पूरा एकदम गांव के स्टाइल में। तो ये देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे 4 से 5 प्याज लिया है मैंने, एक टुकड़ा अदरक का छील लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च, 2 लहसुन छिला हुआ, मतलब 2 पूरा जो लहसुन होता है ना पूरा खड़ा वो 2, और साथ में मैंने यहाँ पे एक मोटे तले का कुकर चढ़ाया हुआ है। आप इस सब्ज़ी को कढ़ाई में भी बना सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैं यहाँ पे सरसों के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि पूरा गांव के स्टाइल का ये सब्ज़ी बनेगा। और जो भी मतलब अगर इसी तरह से बना के खाएंगे ना, तो जो भी खाएगा ना एकदम इस सब्ज़ी के लिए पागल हो जाएगा कि उसे कहाँ से इसे दोबारा मिल जाए। और ये बहुत ही रेयर सब्ज़ी है, मिलती नहीं है जल्दी, बारिश के सीज़न में कहीं कहीं पे उगता है ये। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच सरसों का तेल डाला हुआ है और जब वो गर्म हो गया, 2 से 3 तेज़पत्ते डाल दिए मैंने और थोड़ा सा लगभग आधा छोटा चम्मच जीरा। इन सबको आप सरसों के तेल में तड़कने दीजिए। तो यहाँ पर जीरा तेज़पत्ता एकदम अच्छे से लाल हो गया है, तो मैंने यहाँ पे जो अदरक लहसुन और मिर्च दिखाए थे ना, उसे क्रश कर लिया। पीस के एकदम फाइन पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रश किया है इसे। बस हल्का सा मिक्सर में एक बार घुमा दी, बहुत बारीक नहीं किया है, क्योंकि आप कभी ऐसे भी करके देखिए ना, इससे भी सब्ज़ी का टेस्ट एकदम अलग आएगा। तो क्रश किया हुआ लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च, थोड़ा सा इसे पहले डाल देंगे और ये हल्का पिंक हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, गरम मसाले थोड़े थोड़े सब कुछ हैं, जावित्री है, यहाँ पे लौंग है, बड़ी इलायची है और सहजीरा, और 2 से 3 मैंने छोटी इलायची भी लिया, 1 बड़ी इलायची लिया। तो इन सब को डाल दीजिए आप गरम गरम तेल में। इन सब को डालने के बाद हल्का सा उसे फिर से मिला लीजिए और ये यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, गोल्डन होने लगा है। फिर मैं इसमें डालूँगी प्याज, जो प्याज मैंने आपको दिखाया था छील के रखा हुआ, उसे मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो यहाँ पे 4 प्याज हैं, प्याज की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखा है,
यहाँ पे, क्योंकि ये सब्ज़ी प्याज के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चार प्याज मोटे मोटे टुकड़ों में कटे हुए डाल दिया मैंने, और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज बहुत ही अच्छे से लाल ना हो जाए। सारा टेस्ट का कमाल यहाँ पे प्याज भुनने के ऊपर है। प्याज एकदम लाल भुनिएगा, काफ़ी सोंधा खुशबू जब तक आने ना लगे, फिर आप इस सब्जी का टेस्ट देखिएगा। तो प्याज को हाई फ्लेम पे आपको भूनना है। जब भी ये सब्जी मुझे मिलती है ना, मैं एकदम इसे बनाने के लिए और खाने के लिए हड़बड़ाई रहती हूँ। तो ये सब्ज़ी आप सोच नहीं सकते हैं कि मेरी कितनी फेवरेट है। और ये देखिए प्याज यहाँ पे भून रहा है, थोड़ा सा हम इसे और लाल करेंगे। तो गैस का फ्लेम हाई रखिए, और आप इस सब्ज़ी को कढ़ाई में ही बना सकते हैं, बहुत ईजी है, तुरंत गल जाता है काफ़ी। अभी देखिएगा मैं कितना सारा सब्ज़ी डालूंगी और बन के कितना थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम पानी पानी होता है, इसमें पानी निकलता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज लाल लाल होने लगा है। आप चाहे तो तेल ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपको एकदम रिच सब्ज़ी बनानी हो तो मैंने भी अपने हिसाब से ज़्यादा ही डाला हुआ है। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, लाल हो गया है। मैं अब इसमें डालूंगी मशरूम, जो हमारा देसी मशरूम है। तो ये देखिए धोने के बाद काफ़ी साफ़ हो गया है, और इसे हल्के हाथों से डालिए, एकदम मुट्ठी से कस के इसका पानी नहीं निकालिएगा, नहीं तो ये सब सारे ना एकदम हलवा हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। तो ये देखिए इसे मैंने चला दिया, गैस का फ्लेम हाई रखिएगा क्योंकि लो फ्लेम पर एकदम गल जाएगा ये। तो हाई फ्लेम पर आपको कुछ मिनट तक इसे भूनना है, जब तक कि ये पानी ना छोड़े, और पानी छोड़ने के बाद जब तक ये सूख ना जाए। तो ये देखिए यहाँ पे इसे झोंकते ही एकदम से पानी रिलीज होने लगता है इसके अंदर से। तो आप देख सकते हैं गलना शुरू हो गया है, जबकि मैंने अभी इसमें नमक भी नहीं डाला है, फिर भी ये गलना शुरू हो जाएगा और खूब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो बहुत ही यम्मी बनने वाला है आज हमारे घर में सब्जी, और इसे देख देख के ही भूख बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा पानी निकलने लगा है इसमें से। तो हाई फ्लेम है, और बस थोड़ी देर हम इसे और भुनेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। बनाने में काफ़ी सिंपल है, आप जिस जो भी नॉर्मल तरीके से, गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई रखा है, जो नॉर्मल तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं ना, मसाले वाली छोले वगैरह, बस उसी तरीके से इसे बनाना है। और लेकिन जो ये टेस्ट देगा ना, अजब है, बहुत ही यमी है। मतलब मैं बचपन से इस सब्ज़ी के लिए एकदम फड़फड़ाई रहती हूँ कब बारिश का सीज़न हो और कहीं से मुझे मिल जाए। तो ये देखिए ये भुन चुका है, पानी सूख गया है। मैं इसमें डालती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी। तो इन दोनों को डाल के फिर से आप इसे थोड़ी देर के लिए भून लें। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो करना ही नहीं है, हाई फ्लेम पर यह सब्ज़ी फटाफट बन जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसे मिला लिया है, मेरा तो मन कर रहा है अभी से थोड़ा निकाल लूँ खाने के लिए। तो ये देखिए हल्दी नमक डालने के बाद भी ये पानी थोड़ा थोड़ा इसका रिलीज़ हुआ और ये फिर सूखने लगा है। तो जब इस पोजीशन पे आ जाए फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, क्योंकि अब देखिए किनारे से चिपकना शुरू हो गया है और पानी सारा इसका सूख गया है, भून चुका है बहुत ही अच्छे से। तो मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। मसाले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है धनिया पाउडर, और ये घर का सब्जी मसाला जो मैं बना के रखती हूँ उसका पाउडर है। गरम मसाले मैंने खड़े डाल लिए थे पहले ही, जब आपने देखा था फ्राई करें उसी समय। और थोड़ा सा इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो धनिया पाउडर और जो सब्ज़ी मसाला आप घर पे रखते हैं वो डाल दीजिए, और फिर इसे थोड़ी देर तक हाई फ्लेम पर भूनिए ताकि मसाले अच्छे से भून जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से भून चुका है और सब्ज़ी एकदम सूखी हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे मिलाऊँगी थोड़ा सा गोल्डी का जो मीट मसाला होता है ना, वो ये मेरे कहने पे आप मिला के देखिएगा, इसका जो फ्लेवर और टेस्ट आता है ना बहुत ही यम्मी। अगर आपके घर में नॉन वेज, ये देखिए ये वाला मसाला है और इसमें मेरा फेवरेट सलमान भी बना हुआ है, तो मैं इसी मसाले को यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और थोड़ा सा देगी मिर्च बस कलर के लिए। तो ये जो गोल्डी का मीट मसाला है ना, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके घर में नॉन वेज पसंद करते हैं लोग तो आपको भी ट्राई करिएगा, मसाला तो पूरी तरह से वेज है, तो आप इसे किसी भी सब्ज़ी में थोड़ा बहुत डाल के देखिए, काफ़ी बढ़िया फ्लेवर है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो।
तो ये देखिए यहाँ पे सारे मसाले डल चुके हैं और ये बहुत अच्छे से भून चुका है। आप चाहे इधर देखिए मैं चावल बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे इसी तरह से रख सकते हैं, मतलब इसे हटा सकते हैं, लेकिन मुझे खाना है चावल के साथ तो मैं इसमें डालूंगी पानी। और इसे मैं थोड़ा सा निकाल ली हूँ सूखा भी, क्योंकि आप जानते हैं सब्ज़ी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हूँ, तो हर तरह से मुझे इसे खाना है, चावल के साथ खाना है, तो मैंने इसमें पानी मिला लिया ताकि ये थोड़ा गीला गीला ग्रेवी आ जाए इसके साथ। और कुछ थोड़ा सा मैंने सूखा भी निकाल लिया है, तो आपने देखा ही मैं कितनी चटोरी हूँ, मैंने पहले ही थोड़ा सा सूखा निकाल के रख लिया भुजिया टाइप। और ये देखिए यहाँ पे है ग्रेवी तैयार, थोड़ी देर हम बस एक मिनट तक हम इसे ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह का कंसिस्टेंसी है, टेक्सचर है। आप चाहें तो ज़्यादा पानी डाल के और पतले रस्से का बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको किस टेक्सचर का सब्ज़ी चाहिए, क्योंकि मैं इसे खाऊंगी चावल के साथ, उबले हुए चावल के साथ। तो मैंने इस तरह से लटपटा बनाया हुआ है, आप कम या ज़्यादा पानी डाल के अपने हिसाब से। तो ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है सर्व होने के लिए।